स्टैक को डिस्कस कर रहे थे, और स्टैक में बेसिकली हमने उसके दो एल्गोरिथम जो पुश एंड पॉप के मेजर हैं वो पढ़े थे। सी शार्प में एक एल्गोरिथम, एक और मेथड होता है पीक के नाम से, तो पीक को भी हम बेसिकली कह सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करता है। लेकिन पुश एंड पॉप जो है वो स्टैंडर्ड दो फंक्शन है स्टैक के। उसके बाद स्टैक का जो अपना स्ट्रक्चर है वो बेसिकली लास्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे काम करता है, और नॉर्मली हम इसको लीनियर एरे या लिस्ट के ऊपर डिजाइन करते हैं। लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है बेसिकली जो हमने पढ़ा था लैंग्वेज, जो बेसिकली सिक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर नहीं होता, और एरे जो है सिक्वेंशियल ऑर्डर में होता है। तो हम बेसिकली स्टैक दोनों के थ्रू बना सकते हैं, लेकिन हमने जो डिस्कस किया वो एरे के थ्रू डिस्कस किया था। तो हम बेसिकली अपने एरे को इस तरह से हैंडल करते हैं कि उसमें कोई डेटा हम यूज़र की मर्जी से इन ना हो, बस वो पुश करे तो जो कोर प्रोग्रामर है वो बेसिकली डिसाइड करें कि इसको कहाँ इंसर्ट होना है। तो ये कहलाता है बिजनेस इंटेलिजेंस, यानी जो काम आपने किया उसकी इंटेलिजेंसी आपके हाथ में है, यूज़र के हाथ में नहीं है, और वो ऐसी कंक्रीट है कि वो उसको स्टैक से आगे पीछे यानी स्टैक की प्रॉपर्टी को डिसऑर्डर नहीं कर रही। इसी के बेसिस पे स्टैक कहाँ इस्तेमाल होता है या कैसे इस्तेमाल होता है, तो हमने पहले तो इसके दो पुश एंड पॉप के एल्गोरिथम भी पढ़े थे, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी निकालने की कोशिश की थी, और उसके बाद फिर हमने जो है वो इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो पढ़ ली थी, जबकि बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं लेकिन उसमें से हमने सिर्फ दो डिस्कस की, क्योंकि एक एक जो है बेसिकली पोस्टफिक्स प्रीफिक्स के हवाले से था, और एक जो है बेसिकली रिकर्जन के हवाले से। ठीक है, तो ये काम हमने लास्ट क्लास तक कर लिया था, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर हमने अब तीन पढ़ लिए हैं, यानी एरे और लिंग्विस्ट। ये बेसिकली एरे और लिंग्विस्ट जो है वो कोर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। कोर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि बाकी डेटा स्ट्रक्चर जो है वो इन्हीं से डिजाइन हो रहे हैं, चाहे वो लिंग्विस्ट पे बने हों चाहे वो क्या नाम है एरे पे बने। अब हम अगर स्टैक के बाद तीसरे के बाद कोर डेटा स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं, और वो है क्यूब। क्यूब भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। मैं आपको जैसे पहले दिन बता चुका हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर की इम्पोर्टेंस बेसिकली, यानी अगर हम देखें ना, मैं हमेशा स्टूडेंट से इस तरह कहता हूँ, जो लोग स्पेशली प्रोग्रामिंग में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, तो इसको हम हमेशा ये सोचा करो कि ये कोई मैसिव चीज़, यानी जैसे कहते हैं मैश नहीं हुआ होगा, हर चीज़ बायोग्रेट हुई भी है, हर चीज़ को समझने के लिए उसका एक वे है और एक समझने का एक अंदाज है। आप उसको अपने सर पे हावी करेंगे तो आप कभी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। प्रोग्रामिंग को अगर हम देखें तो, अगर प्रोग्रामिंग के अंदर हम देखें तो ये बेसिकली दो हिस्सों पे कंसिस्ट करता है कोई भी प्रोग्रामिंग। तो दो पार्ट कौन कौन से हैं, एक पार्ट कहलाता है स्ट्रक्चर का, यानी डेटा स्ट्रक्चर का, और एक पार्ट कहलाता है टूल्स का। इन दोनों को मिला के बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है डिज़ाइन की जाती है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आप जो टूल इस्तेमाल करते हैं वो किसी डेटा के ऊपर करते हैं, ठीक है, किसी डेटा को। जब किसी डेटा के ऊपर करेंगे तो डेटा को रखने वाला कंटेनर आपको चाहिए। डेटा से मुराद है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये डेटा। जब ये डेटा पे आप कोई टूल अप्लाई करेंगे, टूल का मतलब है जैसे मिसाल के तौर पर फॉर, मिसाल के तौर पर इफ, मिसाल के तौर पर वाइल और वट एवर जो भी, तो ये प्रोग्रामिंग के टूल्स होते हैं, टूल्स, प्रोग्रामिंग टूल्स, ठीक है, ये प्रॉग टूल्स कहलाते हैं जो आप यूज करते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग टूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो यकीनन आप कहेंगे किसी चीज पे इस्तेमाल करेंगे ना, आपके पास फॉर है लेकिन डेटा नहीं है तो आप फॉर का क्या कर लेंगे, आपके पास इफ है लेकिन डेटा नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो ये जो प्रोग्रामिंग टूल है ये किसी डेटा के ऊपर अप्लाई होता है। मिसाल के तौर पर आपसे कहता है कि कोई टू का टेबल लिखे आप। अब आप टू का टेबल जब लिखेंगे या आप मैथमेटिकल टेबल जनरेट करें, जब आप मैथमेटिकल टेबल जनरेट करेंगे तो बेसिकली
होगा क्या कि आपको कुछ नंबर्स चाहिए होंगे, जैसे मिसाल के तौर पर 5 का टेबल लिखेंगे तो आपको 5 चाहिए होगा, और उसके बाद कंटिन्यूस में 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, ये चीजें चाहिए होंगी ना, इस तरह से ये रिजल्ट्स आपको चाहिए। आप कहते हैं इसको हम फॉर के रूप में यूज कर लेते हैं, ये कॉन्स्टेंट है, लेकिन ये जो चीजें हमें नजर आ रही हैं ये एक डेटा है, ठीक है। जब इस डेटा पे आप फॉर अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली इसको रखने के लिए, इन डेटा को रखने के लिए आपको कोई कंटेनर चाहिए, ये डेटा है। और अब ये डेटा रखा कहाँ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक ये समझ नहीं आएगा हमें पता नहीं चलेगा। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि डेटा मेमोरी में रखा जाता है। अच्छा, मेमोरी में डेटा रखने के कई अंदाज हैं उनकी जॉब के हिसाब से। इस वक्त ये एक सिंगल वेरिएबल है जिसके लिए हम एरे इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे जिसको वेरिएबल कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कह दिया कि ये मैथमेटिकल टेबल के नाम से एक वेरिएबल है जिसको बेसिकली हमने 5 इसके अंदर रख लिया, तो मेमोरी में 5 रखा जाएगा। तो एक्चुअल में इसको तो हम वेरिएबल कहते हैं, लेकिन एक ये बहुत लो कैटेगरी का डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हमने डेटा रखा है। सिमिलरली अगर आप 1, 2, 3, 4 लेंगे तो आपने कहा कि लूप आई के नाम से चलेगा, तो पहले इसमें 1 होगा, फिर उसके बाद 2 ओवरराइट होगा, फिर 3 ओवरराइट होगा, एंड सो ऑन। तो यू विल बेसिकली पुट सम डेटा इनसाइड द मेमोरी, ये कहलाता है बेसिकली वेरिएबल्स टाइप डेटा स्ट्रक्चर। तो आपके पास एक प्रोग्रामिंग टूल था फॉर का, और इस फॉर के टूल को आपने अप्लाई किया एक डेटा पे, लेकिन डेटा को रखने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला बेसिक डेटा स्ट्रक्चर जो वेरिएबल्स होते हैं वो बेसिकली यहाँ पढ़ाए भी नहीं जाते, वो आप पढ़ चुके होते हैं फंडामेंटल्स में, वो बेसिकली आप यूज करते हैं। फिर जब आपको इस तरह के कंसेक्यूटिव डेटा चाहिए हो एक साथ, तो फिर आप एरे यूज करते हैं, लिंक्ड लिस्ट यूज करते हैं। फिर आप उस एरे और लिंक्ड लिस्ट में कुछ स्पेशलाइज तरीके से हैंडलिंग करनी हो कि टॉप वाला पहले, क्योंकि एरे में आप किसी को भी निकाल सकते हैं बाहर, कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं आप, एरे रैंडम होता है जैसे मेमोरी रैंडम होती है। लेकिन जब आप कहते हैं कि नहीं मुझे तो रिवर्स ऑर्डर में ही रिवर्स ऑर्डर रखना है और रिवर्स ऑर्डर में निकालना है बाहर, और मेरा काम ही यही है, तो फिर मैं एरे से ज्यादा बेहतर है कि मैं स्टैक यूज करूँ। तो इस तरह से डेटा स्ट्रक्चर अपनी इंपॉर्टेंस की वजह से चेंज होता रहता है। तो डेटा स्ट्रक्चर अगर नहीं हो तो हमारे किसी भी प्रोग्रामिंग टूल का कोई फायदा नहीं है। प्रोग्रामिंग टूल हमेशा डेटा पे अप्लाई होगा और डेटा हमेशा डेटा स्ट्रक्चर पे जो है वो रखा जाता है। यानी आप कहते हैं डेटा बेस और डेटा स्ट्रक्चर में क्या फर्क होता है, तो डेटा बेस परमानेंटली स्टोर करने के लिए होता है, लेकिन इसके ऊपर डायरेक्टली कोई टूल अप्लाई नहीं होते। अगर आपने डेटा बेस में किसी डेटा पे कोई टूल अप्लाई करना है फॉर इफ कोई किसी किस्म की क्यूरी, तो वो डेटा पहले उठ के मेमोरी में आता है, और जब मेमोरी में आता है तो डेटा स्ट्रक्चर पे आता है। तो इस तरह से आप अपने काम को कंप्लीट करते हैं किसी भी सिस्टम में। अगर एज अ कंप्यूटर साइंस देखें तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। पॉलिश न्यूट्रेशन की स्लाइड अपलोड नहीं की मैंने, अरे सॉरी मैं कर देता हूँ अभी, मैंने शायद वो कर दिया था, क्या नाम है, वीडियो लेक्चर मैं कर दूंगा अभी क्लास के दौरान, ब्रेक नहीं कर दूंगा, बिल्कुल ध्यान से निकलता हूँ। अच्छा, ये बातें तो हमने पहले भी की हैं, अभी दोबारा भी रिवाइज करने के लिए कि जिन लोगों को शुरू की क्लासों में ये बातें समझ नहीं आई, तो कुछ मैच्योरनेस के बाद ये बातें ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होती हैं कि हम बेसिकली क्या पढ़ना चाहते हैं, हमारे पास क्या पढ़ने को है, डेटा स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है। एक तरफ आप फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं, एक तरफ आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं जो प्रोग्रामिंग का एक टूल है। आप ये सोचें कि अगर वो टूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपको सिखाया जा रहा है ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, क्लासेस कैसे बनाई जाती हैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को किस तरह इनहेरिट करते हैं, किस तरह से आप बेसिकली ओवरराइडिंग करते हैं, किस तरह से ओवरलोडिंग करते हैं, ये प्रोग्रामिंग के टूल है मेरे भाई। लेकिन ये उस वक्त फिजिकल आपके पास फ्रूटफुल होंगे जब आपके पास डेटा होगा। ये किस पे अप्लाई करोगे, ये चीजें डेटा पे करोगे, और डेटा को रखने के लिए इस पे मैं अप्लाई करूं तो उसको रखेंगे डेटा को किसी जगह पे, तो जिस जगह पे रखेंगे वो डेटा स्ट्रक्चर होगा। किसी डेटा स्ट्रक्चर के अलावा डेटा रखा जा ही नहीं सकता। यू ऑलवेज पुट योर डेटा इनसाइड द डेटा स्ट्रक्चर, यू शुड नो दैट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल डेटा स्ट्रक्चर व्हाटएवर यू विल यूज इन फ्यूचर और राइट नाउ। तो ये बात जहन में रखिएगा कि जब हम बात करते हैं कि मैं प्रोग्रामिंग करने जा रहा हूँ और मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है, तो आप ना सोचें कि सिर्फ उसके टूल सीखने से आपका मसला हो जाएगा। मैं फिर यही बात करता हूँ हमेशा अपने स्टूडेंट के, यू हैव टू बेसिकली लिस्ट ऑन योर वे ऑफ बेसिकली योर पाथ, कि आप ये बात तय कर लें कि आप क्या कर रहे हैं। तो एक में आप प्रोग्रामिंग टूल सीख रहे हैं,
और एक जगह पे आर जो है वो डेटा सीख रहे हैं, यानी डेटा स्ट्रक्चर सीख रहे हैं जिसमें डेटा रखना है। दीज टू थिंग्स अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग है तो यू आर अ गुड प्रोग्रामर। समझ आई बात? अगर आपके पास ये दोनों चीजें आपको समझ आती हैं तो फिर आप एक अच्छे प्रोग्रामर की कैटेगरी में। अब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाने का मकसद ये है कि देयर आर सेवरल काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। यानी हर डेटा स्ट्रक्चर हर जगह इस्तेमाल हो सकता है लेकिन एफिशिएंसी इशू जो है वो एग्जिस्ट करेगी। एफिशिएंसी इशू का मतलब ये है कि आपकी एफिशिएंसी लो और हाई होती रहेगी अगर आप डेटा जो है वो गलत जगह पुट कर देंगे। मसला हल हो जाएगा लेकिन गलत जगह पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये तो था एक मोटिवेशनल लेक्चर था। कुछ स्टूडेंट आ रहे थे, अभी तक 16 ही स्टूडेंट आए 30 में से। टाइम ऑन टाइम आने का तुम्हारा रिवाज नहीं है, कुछ जगह पर लाइट का भी इशू होता है। चलो खैर है, कुछ बहाने भी होते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो क्या नाम है लेक्चर है वो बेसिकली वो ये है कि हम आज फोर्थ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो कि क्यू है। क्यूज क्या होते हैं बेसिकली? ये बहुत कॉमन है स्टैक जो हमारे रियल एप्लीकेशन एज अ ह्यूमन इस्तेमाल करता है वो थोड़ा कम है, लेकिन क्यू तो नॉर्मली इस्तेमाल होता है कि आप कहते हैं बिल जमा कराओ तो क्यू में लग जाओ, वीजा की लिस्ट वीजा देने जाओ तो क्यू में लग जाओ, बैंक में जाओ तो क्यू में लग जाओ, हर एक जो है वो क्यू जो है वो लगा रहा होता है। क्यू का मतलब होता है, आपने पढ़ा ही होगा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसको पहली जगह मिलेगी। यानी इसका जो वर्ड होता है वो होता है फर्स्ट कम, ठीक है, फर्स्ट सर्व। तो ये बेसिकली कहते हैं उसको हम फीफो भी कहते हैं समटाइम। तो ये फीफो के बेसिस पे काम करता है और इसका मतलब ये हुआ कि इसको इम्प्लीमेंट, अब क्यू जो इम्प्लीमेंट हुआ हुआ होता है ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम, जब आप कंप्यूटर रन कर रहे होते हैं तो आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा होता है जैसे आप देख रहे हैं अभी भी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली के पास एक वक्त में कई जॉब्स आती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उन जॉब को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे तो चलाता ही है कि जो जॉब पहले आई है उसकी बारी तो गहरे दूसरे जॉब जो बाद में आई है उसे पहले ही देनी है। तो जो जॉब्स आती जा रही हैं उनको रखूंगा कहाँ पे? वही बात, डेटा आ रहा है जॉब परफॉर्म होने के लिए, उनको कहीं ना कहीं रखना है ना, तो कोई डेटा स्ट्रक्चर चूज करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन डेटा स्ट्रक्चर को क्यू के अंदर रखता है, स्टैक में नहीं रखेगा कि जो जॉब आखिर में आएगी उसको पहले ही बारी दे दें, गलत हो जाएगा। तो इस बेसिस पे ऐसी जॉब्स को क्यू में लगा देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद जो स्केड्यूलिंग सिस्टम होता है वो बेसिकली वो अप्लाई करता है उसके ऊपर, लेकिन एक्चुअल में जो है वो यही है कि वो जो है बेसिकली क्यू के अंदर उसको स्टोर करता है। और इस तरह की बहुत सारी दूसरी जगह प्रायोरिटी क्यू होती है। प्रायोरिटी क्यू का मतलब होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर आप काम कर रहे हैं और एक जॉब जो है वो एक वायरस अटैक हो गया, एंटीवायरस आपके यहाँ चल रहा है लेकिन एक वायरस अटैक, आपके पास वायरस का एंटीवायरस चलाने के लिए वो भी एक सॉफ्टवेयर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से वो कॉन्टेक्ट करेगा कि मुझे फॉरन रन होना है, जैसे एम्बुलेंस होती है तो बिल्कुल इसी तरह मुझे फॉरन रन होना है। हालांकि अभी बहुत सारी जॉब एग्जीक्यूशन के लिए लाइन में लगी भी होंगी क्यू में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे, लेकिन क्योंकि एक वायरस का अटैक हुआ है तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट की जाएगी कि मुझे फॉरन रन होना है, तो वो एंटीवायरस की जॉब सारे जॉब्स को बाईपास करके एंटीवायरस की जॉब को रन करेगा, उसको कहते हैं प्रायोरिटी क्यू। तो ऐसी जॉब जो प्रायोरिटी क्यू में होती है उनको पहले बारी मिलती है। जैसे आपके रोड में अगर रोड जाम हो और क्यू लगा हुआ हो तो नॉर्मली कोशिश करते हैं कि उस गाड़ी को जो कि एम्बुलेंस है उसको रास्ता दिया जाए ताकि वो निकल जाए, वरना तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो पहले उसको पहले ही जाना चाहिए ना। तो दिस इज कॉल्ड बेसिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो क्यू है उसके उसके पास इन और आउट के दो रास्ते हैं। अगर वो यहाँ से इन हो रहा है तो इट विल कम आउट फ्रॉम हेयर, राइट। यानी अगर आपने कहा कि मैं पहला नंबर यहाँ से ए इंटर कर रहा हूँ तो ए जो है वो यहाँ पे इसके माउथ पे जाके बैठ जाएगा। इस तरह दो जो है टू जो है वो इंटर कर रहा हूँ तो वो बेसिकली यहाँ पे आके आ जाएगा, और इस तरह अगर मैं सी इंटर कर रहा हूँ तो सी यहाँ आ जाएगा। अब जो आउट वाला ऑप्शन है वो बेसिकली वो इस तरफ है और जो इन वाला ऑप्शन है वो ये है। तो आप अगर ए इंटर कर रहे हैं तो ए यहाँ से बाहर आएगा, ए यहाँ से बाहर आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ए फर्स्ट इन हुआ था, फर्स्ट आउट हो रहा है। तो अब हमें लेकिन स्टैक में इसके बारे एक जगह आपने बंद की हुई थी, हालांकि एक्चुअल में बंद नहीं होती
ये वर्चुअली बन होती है, आप इसको इसको बंद करने के लिए एज अ कोर प्रोग्रामर हैंडलिंग करते हैं, और वो हमारे पास एक वेरिएबल टॉप था जो आप हैंडल कर रहे थे उसको, जिससे आप कह रहे थे कि जो ऊपर नीचे जाएगा इसी से इंसर्ट होगा और इसी से डिलीट होगा। तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे कि वेरिएबल्स यहाँ पे इन होंगे और दूसरी साइड से आउट होंगे। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये जो स्टैक है, आप जिसको स्टैक में रख दिया जाए और फिर जब कहा जाए कि स्टैक से बाहर निकालो, तो मुझे सोचना ना पड़े कि किसको निकालना है, सी को निकालना है या टू को निकालना है। एरे में सोचना पड़ता है आप किसको निकालना चाहते हैं, क्योंकि एरे रैंडम होता है, कहीं से भी कोई निकाला जा सकता है, कहीं पे भी कोई इंसर्ट किया जा सकता है। लेकिन स्टैक और क्यू में ऐसा नहीं कर सकते। व्हेनेवर क्यू विल बेसिकली ऐड समथिंग इनसाइड द क्यू, जब आप क्यू में कोई चीज ऐड कर देते हैं तो इट इज एसेंशियल कि जो सबसे टॉप पे होगा, टॉप से मुराद है जो सबसे पहले इंटर हुआ होगा, उसी को बाहर निकालने के। तो आप कहेंगे अच्छा भाई, अगर मैं बाहर निकालने की बात कर रहा हूँ तो वी कैन नॉट आउट टू फर्स्ट, वी कैन नॉट आउट सी फर्स्ट, लेकिन एरे होता तो हम निकाल लेते। क्यू में आपको ए को निकालना पड़ेगा, उसके बाद टू को निकालना पड़ेगा, उसके बाद सी को निकालना पड़ेगा। ये ऐसे ही जैसे सीएनजी का पंप लगा हुआ है यहाँ पे, और लोग गाड़ियाँ यहाँ पे आती जा रही हैं, और वो जो सीएनजी या पेट्रोल जो भी कह लो, तो वो बेसिकली गाड़ियाँ जो है वो इसकी बारी पहले आएगी, उसके बाद इसकी। अगर ये बाहर पहले आ जाए तो आपको पता ना कितनी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से हर आदमी अपने क्यू के हिसाब से, डॉक्टर की दुकान पे बैठे हुए टोकन लेके, टोकन इज अ क्यू बेसिकली, वो आपको क्यू की पोजीशन बताता है कि आपकी बारी कब आएगी। तो आप जो है वो बेसिकली किसी डॉक्टर के पास अगर कोई इमरजेंसी केस आ जाए तो आप सब उसको कहते हैं कि आप पहले चले जाए, उसको कहते हैं प्रायोरिटी क्यू, कि आपने सबको बाईपास करके आगे की तरफ चले गए। अब सवाल यहाँ पे ये है, ये तो क्यू की क्यू का, अब सवाल यहाँ पे है कि क्यू को हैंडल करने के लिए और हैंडलिंग फॉर हैंडलिंग ऑफ क्यू, इसके लिए दो फंक्शन इस्तेमाल होते हैं नॉर्मली। एक होता है, बिल्कुल नाम चेंज है, मकसद वही है, वहां पे पुश पॉप था, यहाँ पे बेसिकली इन क्यू है, इन क्यू है, और दूसरा जो है वो डी क्यू है, ठीक है, इन क्यू और डी क्यू, ये दो फंक्शन इस्तेमाल होते हैं। अच्छा सर, प्रायोरिटी क्यू में फिर हम जिस आइटम की जितनी जिस आइटम की जितनी प्रायोरिटी रखते हैं वो उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली काम करता है। बिल्कुल सही बताया नूर साहब आपने सर, एज अ वीआईपी, बिल्कुल ठीक है। प्रायोरिटी क्यू में जब भी प्रायोरिटी क्यू बनाते हैं तो उसमें हर आइटम की एक अपनी प्रायोरिटी आती है, यानी जब आइटम आता है तो उसके साथ उसकी प्रायोरिटी भी आ रही होती है। प्रायोरिटी बताती है कि इसको इस वक्त एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना, तो उस हिसाब से उसके ऊपर डीलिंग करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा नूर मोहम्मद साहब। Do we have some bypass option stack and queue? क्यू में तो है ना, स्टैक में नहीं है, स्टैक में तो वही है जो है, क्यू में तो बता दिया ना प्रायोरिटी क्यू बाईपास करता है, तो वो तो है। लेकिन अभी क्योंकि हमने तो पढ़ना शुरू किया है तो हम अभी प्रायोरिटी क्यू की तरफ नहीं जाएंगे। जब आप डी डब्ल्यू ए का कोर्स पढ़ेंगे तो शायद वहाँ पे आपको पढ़ा दिया जाए प्रायोरिटी क्यू होता है क्या होता है, लेकिन एक जहन में तो नाम मैंने दे दिया है, जहन में हो कि ऐसा होता है। हर एक चीज की इम्प्लीमेंटेशन का अपना एक तरीकेकार है। कंप्यूटर साइंस में आपको बेसिकली हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ना भी पढ़ाई जाएं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आपको जानकारी सारी चीज़ों का हो। जब आप पढ़ें उसको तो आपको अंडरस्टैंड करना आसान हो, मतलब आप पढ़ें और समझ ही ना रहे हो तो फिर तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं होंगे ना। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें पढ़ें। अब आपको ये एक आइडिया, जैसे मैं क्यू का दूंगा तो आप अब प्रायोरिटी क्यू पढ़ें तो आपको समझ आ जाना चाहिए प्रायोरिटी क्यू क्या होता है बाई योर सेल्फ। ये बेसिकली मुझे भी सारी चीज़ें नहीं आती होंगी और नहीं आती हैं, वो होंगी क्या बात, नहीं आती हैं। लेकिन कंप्यूटर साइंस में एक्सेलरेट करने का मतलब ये होता है कि व्हेनेवर यू स्टडी अ न्यू टॉपिक यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप उसको समझ सकते हो क्योंकि आपकी पुरानी बेस स्ट्रांग होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो क्यू और इन क्यू और क्यू जो हम पढ़ रहे हैं तो ये तो पता नहीं शुरू कंप्यूटर साइंस के शुरू के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो आज तक इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अब जो नए डेटा स्ट्रक्चर बन गए हैं जब आप उसको पढ़ें तो आपको समझ आता हो कि डेटा स्ट्रक्चर कैसे है। जैसे हैश भी पुराना हो गया, डिक्शनरीज भी पुरानी हो गई, लेकिन डायरेक्ट क्यू से नहीं है, न्यू मॉडल है। तो आप हैश और क्यू और डिक्शनरीज को पढ़ के समझ सकते हो कि ये क्या होती है, समझ आ रहा है ना ये तो बात। अच्छा जी, जिस तरह से हमारे पास पुश एंड पॉप दो फंक्शन थे स्टैक में, इसी तरह क्यू में दो फंक्शन है, इन क्यू एंड डी क्यू, राइट, समझ आती है। इन क्यू जैसे नाम से जाहिर है ये इंसर्शन के लिए इस्तेमाल होता है, डी क्यू यानी डिलीट ये बेसिकली डिलीशन के लिए जो है इस्तेमाल होता है।
ठीक है, ये बेसिकली रिलेशन के लिए हम उसको इस्तेमाल EQ कहते हैं, EQ से ज्यादा बेहतर है EQ कहते हैं, ठीक है, EQ एंड DQ, तो ये दोनों बेसिकली इस तरह से यूज किए जाते हैं। अब अगर कोई इस अब ये फंक्शन कैसे काम करते हैं वो तो अभी हम आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले बात ये है कि अगर मैं क्यू को इम्प्लीमेंट करने जाऊं, हाउ टू रिप्रेजेंट क्यू, ठीक है, इन मेमोरी, मेमोरी में होगा तो मैं बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट कर सकूंगा ना, मेमोरी में आएगा तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो अब आप सोचेंगे कि इसको मेमोरी में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वही बात के क्योंकि हमारे पास लिस्ट और एरे दो कोर डेटा स्ट्रक्चर हैं। लिस्ट का मतलब होता है आप पॉइंटर के थ्रू कहीं भी डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं। मैं आपको एक दफा सिर्फ ये समझा दूं कि लिस्ट ऑफ एरे में बेसिक, माशाल्लाह 26 स्टूडेंट होगा, बड़ी अच्छी बात है। लिस्ट और एरे में क्या फर्क होता है कि अगर आपके पास एक मेमोरी है तो एरे के लिए जरूरी होता है कि वो कंटीजियस जगह ले, कि आपके पास जो है वो एक ही जगह पे जो है वो कंटीजियस टाइप डेटा होना चाहिए, एक ही जगह पे मेमोरी के, एक ही जगह से मुराद है सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आगे की तरफ बढ़ रहा हो, तो ये तो एरे है। लेकिन अगर यही लिस्ट है तो लिस्ट में कंटीजियस होना जरूरी नहीं होता। लिस्ट जो होता है बेसिकली आपने एक डेटा यहाँ स्टोर कर दिया, इसके पास हिडनली, अब वो मेंटेनेंस ऑफ द लिस्ट है, इसके पास हिडनली अगले इसी से कनेक्टेड दूसरे डेटा का एड्रेस पता होता है कहाँ जाना है, तो वो हो सकता है कहीं और हो। इस तरह से आपको याद होगा हमने लिस्ट को हमेशा दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक में डेटा एक में नेक्स्ट। यहाँ पे एक्चुअल में बेसिकली उसको हम अलग से किसी और पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं कि भाई ये एड्रेस है, एड्रेस हमेशा पॉइंटर वेरिएबल में होता है, और फिर वो यहाँ हिट करता है, ये बताता है कि ये डेटा है और अगला जो है वो ये होगा, हो सकता है कि अगला डेटा ये हो जाए। तो ये लिस्ट का तरीकेकार है स्टोरेज का मेमोरी में। तो लिस्ट कंटीजियस नहीं होता, एरे कंटीजियस होता है, ये फर्क है। लिस्ट जो है वो हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस का मतलब है कि इसमें डिफरेंट, क्योंकि ये सीक्वेंशियल नहीं है, तो इसमें अगर मैं इंटीजर टाइप डेटा रख रहा हूँ तो इसमें मैं न्यूमेरिक स्ट्रिंग टाइप डेटा रख सकता हूँ, तो लिस्ट में तो ये होता है। लेकिन एरे में नॉर्मली आप एक ही टाइप का जो है वो डेटा, होमोजीनियस डेटा रखते हैं। ये दोनों टाइप जो है, यानी एरे और लिस्ट, ये दोनों टाइप जो है बेसिकली, ये दोनों लिस्ट और एरे दोनों के दोनों कोर डेटा बेसिकली कहलाते हैं, जिसके अंदर एब्स्ट्रक्शन मौजूद होती है। इनको इस्तेमाल करते हुए बाकी डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप ये भी इस्तेमाल, जैसे ट्री में लिस्ट बहुत पॉपुलर है, ट्री जब बनाएंगे हम अगली क्लासों में तो लिस्ट बहुत पॉपुलर है, और इसी तरह से जब हम नॉर्मली स्टैक वगैरह बनाते हैं तो हमने नॉर्मली ये सोचा कि हम इस तरह से कर लेंगे कि एरे को यूज कर लेंगे, ठीक। तो ये बेसिकली इस तरह होता है, इस इज कपल ऑफ एरे, हाँ कह सकते हैं बिल्कुल। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पर जो लिखा है हाउ टू रिप्रेजेंट क्यू इन मेमोरी, तो मैं आपको यहाँ बताऊँ कि हम यहाँ पर इस वक्त समझने के लिए यूज करेंगे एरे, ठीक है। एरे विल बी यूज फॉर रिप्रेजेंटेशन, हम जो सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू, ठीक है। जब हम ट्री पढ़ेंगे तो ट्री में हम बेसिकली लिस्ट, अभी अगला टॉपिक हमारा ट्री का है, तो ट्री जब पढ़ेंगे तो ट्री में हम लिस्ट को इस्तेमाल करेंगे, ट्री को रिप्रेजेंट दोनों करेंगे, एरे भी और लिस्ट भी, और इसी तरह ग्राफ जब पढ़ेंगे तो ग्राफ में भी दोनों को डिस्कस करेंगे कि ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर जो है वो भी एरे और लिस्ट। लेकिन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जैसे ग्राफ और ट्री है, उनको हैंडल करने के लिए लिस्ट ज्यादा पॉपुलर है एज कम्पेयर टू एरे। अच्छा, ये समझ में आती है जो मैंने अभी लिखा है, ये जो बात मैंने लिखी है समझ में आती है ना, कि हम इस वक्त एरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई मसला तो नहीं इसमें इशू? यस सर, थैंक यू। अच्छा जी, सारे स्टूडेंट को समझना है, मैं फिर कहता हूँ सारे स्टूडेंट आप लोग उसमें और मेहनत करें तो काफी आगे जाएंगे और पीज का नाम भी रोशन करेंगे और दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को कम्पीट भी कर लेंगे आसानी, आपके अंदर सलाहियत है जो मैं देखता हूँ। अच्छा जी, ये अब हम यहाँ बात करते हैं इस तरह से कि हमारे पास एक एरे है, लेट सपोज ये स्पेसिफिक साइज है इसका, और हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक एरे है और इसका कुछ साइज है, साइजेस है यहाँ पे,
और मैं नॉर्मली वन से लेता हूँ, आप लोग पाइथन पे काम कर रहे हैं तो जीरो से शुरू होता है, लेकिन ये वन से, वन टू थ्री फोर ठीक फाइव सिक्स सेवन। अब जब मेमोरी में इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ये एक एरे है, अभी इस वक्त ये एक एरे है, लेकिन इस एरे को क्यू बनाने के लिए कि आप चाहते हैं कि ये एरे जो है वो क्यू बन जाए, ठीक है, तो यानी ये एरे क्यू की फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन दे दे, तो आपको तीन चीजें चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। तीन चीजें कौन कौन सी चाहिए, नंबर वन आपको एक लीनियर एरे चाहिए, दूसरा आपको बेसिकली लीनियर एरे के बाद सेकंड थिंग आपको चाहिए यहाँ पर दो वेरिएबल, टू वेरिएबल्स, ठीक। उनमें से पहला वेरिएबल जो है, आपको याद है हमने स्टैक में कितने वेरिएबल यूज किए थे, ये जो मैं बात करता हूँ ना, ये बेसिकली एरे की क्यू की इम्प्लीमेंटेशन के, तो एरे में हमने स्टैक में हमने एक वेरिएबल यूज किया था टॉप के नाम से, गुड, टॉप के अलावा कोई और नाम ले लो ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन क्योंकि बुक में टॉप दिया हुआ था तो हमने भी टॉप के नाम से जो है उसको इस्तेमाल किया। तो टू वेरिएबल्स आपको रिक्वायर्ड है, एक वेरिएबल कहलाता है, मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से नाम लिख रहा हूँ रेयर, और एक वेरिएबल कहलाता है यहाँ पे फ्रंट, ये मैं अपनी मर्जी से बुक को देखते हुए लिख रहा हूँ फ्रंट, ये दो वेरिएबल्स बेसिकली रेयर एंड फ्रंट, ये दो वेरिएबल। तो टोटल आपको देखा जाए तो तीन चीजें हमें चाहिए, मैं सवाल लेता हूँ, ये जरा लिख लूँ फिर बंद करता हूँ, हमें टोटल ये तीन चीजें चाहिए, एक लीनियर एरे और टू वेरिएबल्स, एक रियर के नाम से एक फ्रंट के नाम से। अगर ये तीन चीजें हमारे पास हैं तो हम ओवरऑल क्यू को और इसके इस्तेमाल होने वाले दो फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दो फंक्शन को। अभी मैं फंक्शन चलाऊंगा इम्प्लीमेंटेशन से पहले, अभी समझा रहा हूँ, ये आते बात समझ आती है, मैं सवाल लेता हूँ फिर आपको आगे बढ़ता हूँ। हाँ वेरी गुड, यार आपको पहले से पता है, हमारे टॉप यूज किया था, जी बिल्कुल, टॉप स्टार्ट रूट फर्स्ट पहला, जी 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 बिल्कुल, वेरी गुड। ये तो मैं कहता हूँ आप लोगों के पास है कुछ है टैलेंट, अच्छा जी। अब हम यहाँ पर देखते ये हैं, ये तो समझ में आती है, अब मैं देखता हूँ कि मुझे करना क्या है, मुझे से मुराद है मैं और तुम एक कोर प्रोग्रामर हैं, इनको करना क्या है, ये क्या चाहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि यूजर को हम एक अपॉर्चुनिटी देंगे, यूजर को कि तुम जो है बेसिकली यूजर को हम अपॉर्चुनिटी देंगे कि तुम जो है बेसिकली एक एक फंक्शन कॉल करो और वो बेसिकली इनक्यूब है। अब जरा देखिए क्या हो रहा है, होगा ये कि मेरे पास ये यहीं पे जो दिया हुआ है ये एक क्यू है, यानी जो हमारे पास दिया, तो यूजर क्या लिखेगा, यूजर लिखेगा मिसाल के तौर पे एक क्यू इनिशियलाइज करेगा इंटीजर, मैं तो जनरल लिखता हूँ, आप देख लीजिएगा कि इसको कैसे लिखा जाता है पाइथन में या सी शार्प पे, इंटीजर ठीक है क्यू, और इसका नाम दे दिया मैंने एबीसी, ठीक है, मैंने इसका साइज अभी डिफाइन नहीं किया, आप डिफाइन करना चाहे तो कर दें। ये मैंने बेसिकली एक स्पेसिफिक कोड लिख दिया यहाँ पे इंटीजर क्यू और एबीसी, एबीसी बेसिकली, बल्कि एबीसी भी नहीं, इसका नाम हम क्यू कर देते हैं, इसका नाम हम क्यू कर देते हैं कैपिटल क्यू, ठीक। तो ये मेरे पास एक क्यू जो है वो डिजाइन हो गया और वो क्यू के नाम से, अच्छा जी मैं सवाल फिर देख लेता हूँ, आइटम देंगे बस, सर अजान ही आ रही है, थोड़ा सा वेट कर, ठीक है कर लेते हैं, मैं जरा इसकी वो रेडियो कम बंद कर देता हूँ, मुझे याद दिलाना ना मेरे रिकॉर्डिंग पॉज, हाँ कर दिया। अच्छा देखिए ये जो मैं लिख रहा हूँ ना येलो में, ये इस वक्त यूजर बेसिकली ये चाहता है, यूजर ने क्या किया इंटीजर क्यू और क्यू एक ब्लैंकली उसने इनिशियलाइज कर दिया, एक क्यू उसने उसने ख्वाहिश थी कि मैं क्यू जो है इनिशियलाइज करूँ। इस बेसिस पे ये जो रेड लाइन बनी हुई है एरे, ये एक लीनियर एरे इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है, इसके बिहाइंड में रियर और फ्रंट भी इनिशियलाइज होंगे। जब हम उस तरफ जाएंगे तो मैं समझाऊंगा कि जब यूजर ये लाइन लिखता है, ये वाली लाइन यानी पहली लाइन जो लिखता है, इसके बेसिस पे ये जो लाइन इसने लिखी भी है, इसको मैं जरा हाईलाइट कर दूं, ये जो लाइन लिखी है इसके बेसिस पे
तीन काम होते हैं, एक लीनियर एरे इनिशियलाइज होता है और दो वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाते हैं इसके बेसिस में। यूजर जैसे ही इनिशियलाइजेशन करता है, हमें तो नजर नहीं आता, ये हाई लेवल एब्स्ट्रक्शन कहलाती है, एब्स्ट्रक्शन यानी हमें नजर नहीं आ रहा। उसके बाद अब यूजर की चाहत क्या है, यूजर ने क्यों क्यों बनाया है, वो बेसिकली दो फंक्शन जो हमने यहाँ लिखे थे इनक्यू और डीक्यू करने के लिए ये किया है। इनक्यू और डीक्यू का मतलब ये है कि वो इन और आउट करना चाहता है डेटा सिक्वेंशियल ऑर्डर में, जो पहले जाए वो पहले आए। तो इसने यहाँ पर एक इनक्यू चलाया कि क्यू डॉट इन ई क्यू, और वो बेसिकली वो 44 को उसने कर दिया। तो जब इसने 44 को EQ किया है तो इसका मतलब है इसकी पहली लोकेशन पे, अब जरा गौर सुनिएगा, पहली लोकेशन पे 44 इन हो जाएगा, फर्स्ट लोकेशन पे हम 44 को इन कर देंगे। अच्छा, अगर वो इसी तरह से चलता रहे और यहाँ पर वो यूं चलाए मजीद डेटा के Q डॉट EQ, ये यूजर के हवाले से बात करें EQ EQ, और वो कहता है मिसाल के तौर पे हम 78 को इंसर्ट करना चाहता हूँ और वो ये वाला मेथड चलाए दोबारा से, तो यकीनन सीक्वेंशियल ऑर्डर में, अब यूजर को तो ये नहीं बताना पड़ रहा ना कि तुम कहाँ पर डेटा इंसर्ट करो, सिर्फ वो कह रहा है EQ। अब ये हो रहा है, अब सेकंड पोजीशन पे 78 पोजीशन पे डेटा इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन कैसे, जब आप यकीनन क्यू डॉट ई क्यू का मेथड आपने लिखा होगा, इसके पीछे काम कैसे हो रहा है ये आपने बताना है इसको। तो यूजर को थोड़ी पता होना चाहिए कैसे काम हो रहा है, यूजर तो बेसिकली इस तरह से चलता रहेगा इसका सिस्टम इस तरह, और आप इसको बेसिकली आगे की तरफ, मिसाल के तौर पर अगर यूजर मजीद एक डेटा और इंसर्ट करता है और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ क्यू डॉट ई क्यू, ठीक है ई क्यू, ठीक है, वो यू अगर कर देता है तो बेसिकली वो कहता है कि मिसाल के तौर पे मैं 51 इंसर्ट कर देता हूँ, तो बताइए अब क्या होगा, अब होगा ये कि यहाँ पर 51 इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इन तमाम को करने के बाद यूजर एकदम अचानक से यू कह देता है कि अब मैं डी क्यू करना चाहता हूँ, और डी क्यू के लिए वो लिखेगा क्यू डॉट, अब देखें डी क्यू, उसको किसी किस्म के डेटा देने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या बाहर निकालना, क्योंकि अगर उसने याद ही रखना होता कि मुझे क्या बाहर निकालना है तो फिर तो वो एरे यूज करता, उसको तो पता है कि मेरा प्रॉब्लम ये है कि जो पहले इन हुआ होगा वही पहले बाहर आए, तभी तो मैंने ये वाली प्रॉब्लम यूज की है। तो वो लिख देगा डी क्यू, जब डी क्यू लिख देगा तो आपके पास होगा क्या, आपके पास होगा ये कि ये 44 यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये जगह खाली हो जाएगी, ये जगह जो है वो खाली हो जाएगी। उसके बाद फिर वो मजीद एक दफा और डी क्यू लिख देता है, वो कहता है कि मैं डी क्यू एक दफा और लिख देता हूँ कि क्यू डॉट डी क्यू, तो अब आप बताइए इस डी क्यू से क्या बाहर आ जाएगा, इस डी क्यू से बाहर आ जाएगा बेसिकली आपके पास 78, ठीक। उसके बाद वो यहाँ से ये सारा प्रोसेस होता। अब सवाल यहाँ पे ये है कि कौन ये बताएगा कि अब इन होना है और अब आउट, अगर अब इस बेसिस पे मैं यहाँ पर दोबारा से इन क्यू करता हूँ क्यू डॉट ये मैं करता हूँ EQ में, बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर 64 में इंसर्ट करने जा रहा हूँ, 64 इंसर्ट करने जा रहा हूँ, तो अब आपको पता है कि यहाँ पे इंसर्शन जो होगी वो 64 की हो जाएगी, तो यहाँ पे इंसर्शन जो है वो 64 की। अब आप बताइए दो जगह और खाली हो गई है, तो आप पीछे थोड़ी जा सकते हैं, आप 64 यहाँ इंसर्ट कर देंगे, 64 यहाँ इंसर्ट कर देंगे, समझ आ रहा है मेरी बात। इस तरह ये चलता रहेगा। सवाल यहाँ पे क्या है, सवाल ये है कि यूजर के लिए हाई लेवल एब्स्ट्रक्शन है कि यूजर को नहीं पता कि ये काम कैसे हो रहा है, लेकिन आप और मैंने इसको बेसिकली इन दोनों फंक्शन के पीछे ये सारी चीजें लिखी हुई है ये कैसे होना है। इसके लिए ये रियर और फ्रंट का इस्तेमाल किया जाएगा, इसके लिए रियर और फ्रंट का 51 के बाद आएगा, बिल्कुल सही बात है, रियर एंड फ्रंट मूव होगा, जी बिल्कुल सही है। तो इस बेसिस पे हमें यहाँ पर रियर और फ्रंट को मूव करना पड़ेगा, और रियर और फ्रंट के मूवमेंट के बेसिस पे हम यहाँ पे अब यहाँ पर जो दो वर्ड है ना रियर, रियर और फ्रंट, याद रखिएगा रियर जो है वो डी क्यू जब करते हैं, सॉरी इन क्यू जब करते हैं तो इंसर्शन के लिए इस्तेमाल होता है नॉर्मल, वैसे तो मूवमेंट दोनों की होगी, लेकिन रियर का मतलब है बैक साइड से आप इसको ट्रैक करते रहो कि अब कहाँ इंसर्ट करना है,
इस वक्त रेयर यहाँ पर होगा, और सुनिएगा, इस वक्त रेयर यहाँ पे होगा, ये रेयर है आर, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये रेयर है यानी आर। अब जब कोई कहेगा दोबारा इन क्यू करो, तो रेयर एक आगे आके यहाँ इंसर्ट कर देगा, फिर कहेगा एक और करो तो यहाँ आके फिर इंसर्ट कर देगा। लेकिन वो कहता है कि भाई कोई चीज डिलीट करो, तो फ्रंट ने ये ट्रैक किया हुआ होगा कि अब कौन डिलीट होने वाला है, तो फ्रंट जो है वो 51 को डिलीट कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इनक्यू करें तो रेयर